بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں جدو اس لام نو پئی ضرورت صدیق دی جدو اس لام نو پئی ضرورت صدیق دی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد رب العالمین دی بارگاہ دی اندر دعا گوہ اللہ تعالی
हक सच बयान की तौफीक अदा फरमाए। सुन के सुना के मैनू तुहानू सानू सब नू अल्लाह अमल की भी तौफीक अदा फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, अज जेड़ा टॉपिक लैके मैं आप हजरात के सामने हाजिर होया वा, अज उस आशिक की गल करनी है, अज उस सहाबिये रसूल की गल करनी है कि जिन्हां की सहाबियत अल्लाह के कुरान विचों भी साबित है, जिन्हां की सहाबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक कुरान विचों साबित है। अल्लाह ने उन्हां दा जिक्र कुरान विच फरमाया। तो अज़ीज़ां ने मोहतरम, मेरे मुस्तफा करीम अली सलातो वसलाम ने आपने फरमाया, मेरे सहाबा मैं हर बंदे दा एहसान दुनिया दे दे के जा रहा वा, पर मेरा सदीक हो मेरा गुलाम है, इन्हें इतने मेरे उत्ते एहसान ने कि जिन्हां दे एहसान का बदला मैं दुनिया से नहीं दे सकता, कयामत दे दिन रब्बुल आलमीन को लेके देवांगा। तो अज़ीज़ां ने मन, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि सदीक जिमें मैं नबिया विचों सब तो आला वा, ते मेरे गुलामा विचों सब तो आला मेरा गुलाम सदीक है। पता लग्या इस गुलाम का कुल कैनात अल्लाह के नबी का जिक्र कर दी वे, हद्दा के वहदहू ला शरीक भी अपने महबूब का जिक्र कर दे, पर वो सदीक जिन्होंने बारे मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमांदियां ने कि सोना मुहम्मद सुबह भी वेड़े आंदा वे, शाम भी साढ़े वेड़े आंदा वे, अल्लाह दे नबी सुबह भी साढ़े घर शाम भी साढ़े घर जरूर आते ने, आन के मेरे बाबे नाल अलैदगी बैठ के गल्लां करते ने। ये मेरे बाबे दे नाल कोई मुख्तलिफ प्यार सी, उन्हें नाल मुहब्बत करते सी, अपनी गल्लां बातां आन के मेरे बाबे नाल शेयर करिया करते सी। ते ओ गुलाम है कि जिहड़ा सफर विच भी मेरे नबी दे नाल है, ते जिहड़ा गारां विच भी मेरे नबी दे नाल है, ते जिहड़ा हशर वाले दिन भी मैदान विच भी नबी दे नाल होगा, ते अज मज़ार विच भी नबी दे नाल है। एवें तो नहीं असी फिर कहने आने सब सी गुम्मती अंदर जो बच दी सी था सब सी गुम्मती गुलाम हो गए अज भी मुस्तफा दे सीने दे बराबर अबू बकर दा सिर है, ते मज़ारे मुस्तफा दे विच आराम पिया करदा हो। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नू आप मक्के दे अंदर जदों कलमा नहीं ना पढ़िया सी, उस वक्त भी लोग इन्हां नू बड़ा सादक मानते सी, यानी कि सच बोलन वाला, कदी झूठ बोलिया ही ना। मक्के दे लोगों अगर
तिजारत वास्ते जाना हुंदा सी ते उन्हां दा जिहड़ा रहनुमा हुंदा सी अबू बकर सदीक हुंदा सी। जनाबे सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नू आप नू उन्हां काफलियां दा सरदार मुंतखिब किया जाता सी। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अबू कुहाफा आपने ना हजरत अबू बकर सदीक का बचपन के उंगल तो पकड़िया लैके ना बुतखाने में चले गए। परवरदिगार रब्बुल आलमीन ने प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गुलाम नू हजरत अबू कुहाफा ने पकड़िया उंगल तो लैके जा रहे ने बुतखाने के अंदर लै गए ने। अंदर जाके कहने लगा पुत्र या तेरा सामने रब इंदी इबादत कर इनू सजदा कर। जो ये गल की आप ने फरमाया पापा तू बाहर जा मैं मेरा कलिया गल करनी वे। बाबा बाहर चला गया वे हजरत अबू बकर सदीक उस बुत दे सामने खलो जाने ने ते आपने उन्हें नारे गल्ला की दिया फरमावन लगे मेरे को लबास कोई नहीं मैनू लबास देना कपड़े देना। फिर आपने फरमाया मैं भुखा वा मैनू खाने रोटी देना। अल्लाह अकबर कबीरा बुत तो फिर बुत सिरों किवें बोल सकता सी। दोबारा फिर बुलाया वे ना बोलिया हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया हूं फिर बेली अपनी खैर मना लाऊ। आपने एक पत्थर उठाया वे पत्थर उठा के जद उन्हें मुंह दे मारन लगे बुत दे मारन लगे ते आपने फरमाया बेली आए अपने आप नू बचा ले हुण मैं तेनू मारन लगा वा। फरमाया बेलिया हुण अपने आप नू बचा ला मैं तेनू मारन लगा वा। कुर्बान जावा जो आपने पत्थर मारे आवे जो पत्थर मारन तो बाद उल्टा बुत जमीन ते गिर जाता वे। जो जमीन ते गिर आवे ते जो जमीन ते गिर आवे ते बुत भी कहना होगा अबू बकर जिंदा तू गुलाम जिंदा तू मशीन जेड़ा तेरा आका होगा। कुर्बान जावा वह भी बुतों को तोड़ेगा तो तू भी बुतों को तोड़ी जा रहा वे। वह भी बुतों का खात्मा करेगा तो तू भी बुतों का खात्मा कर रहा वे। कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जो बुत को मारिया जमीन से गिर गया वे बुत। आदा वाले साहब फौरन दौड़ के आए ने आपने फौरन दौड़ के आए जो आन के वेख्या बुत जमीन ते पिया वे आपने जमीन ते बुत नू डिगिया वेख्या। जदों जमीन ते डिगिया वेख्या वे जदों जमीन ते डिगिया वेख्या कुर्बान जावा मुसलमान बायू जमीन ते डिगिया वेखे आपने फरमाया पुत्र आ की कीता ई। उन्हें आख्या बाबा मैं इनू बुलांदा सा ए बोलदा नहीं इनू मैं बुला रहा वा इनू मैं बुलाना वा बोलता नहीं। मैं बड़ी कोशिश की बुला दी आखिरकार इनू मैं मारिया भी है फिर भी नहीं बोलिया। वो बाबा जिहड़ा अपने आप को नहीं बचा सकता वह साडी की खबर रखेगा। वो जिहड़ा अपने आप को नहीं बचा सकता उन्हें साडी की खबर रखनी वे। कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालद ने उठाया आप लिया खर गए कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालद ने खर लै खर लैके आए ने। जो खर लैके आए
आनके मुंह से तमाचा मारे आऊ। तमाचा मारन तो बाद वालदा ने पूछा की गल मेरे पुत्र नु क्यों मारना वे। उन्हें आखिया अज जिहड़ी हरकत कीती वे अगर पता लग गया लोग की कहेंगे। इस वजह दे नारे उन्हें आख्या की कीता वे। उन्हें आख्या तेरे पुत्र बुतां नू तोड़ के आया वे। जदों ये गल कीती वे आपने फरमाया जदों मां ने गल सुनी मां ने अपने खामद नू सैर दे कीता वे ते कहिंदियां ने करमा वाले आज तो बाद मेरे पुत्र ने बुतखानी ला ला के जावी क्योंकि जो मेरे शिकम विच सी मेरे पेट विच सी उदे मनु आवाज़ा आदिया सी जेड़ा पुत्र तेरी गोदी विच आउण वाला वे ए कोई मामूली नहीं बल्कि हबीबे खुदा दा वजीर है। ए हबीबे खुदा दा वजीर आ रहा वे ते इन्दा नाम अबू बकर रखना वे। ये उदों दी बिशारतां मैं सुन रही सां। ये कोई अज दा कम नहीं हो रहा। इस वजह दे नाल मेरे पुत्र नूं हुण कुछ ना आख्या जो कुरबान जावा अल्लाह अकबर कबीरा। इहदे बचपन दी गल आ मुल्के शाम नूं जा रहे ने तिजारत वास्ते गए। उत्थे जाके ना रात नूं सुते ते ख्वाब वेख्या आसमाना का चन्न जड़ा ना टुट के आपकी झोली में आ गया। झोली में आया जो तो ख्वाब में वेख्या ना तो सुबह हुई जो तो बिदार हुए तो परेशान हो गए आसमाना का चन्न टुट के मेरी झोली में। ये कोई गल मामूली नहीं बड़ा अजीब ख्वाब है। उन्हें आख्या हज़रत अबू बकर सदीक के दिल में ख्याल आया क्यों ना हो किसी रहबर को इनकी रहनुमाई ले जाए। एक हिसाइया का करजा सी उत्थे चले गया। उत्थे जिहड़ा राहिब सी ना उन्हां दा उन्हूं जाके अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनाया ते जदों ख्वाब सुनाया ना वह राहिब भी फिर मेरा वजद कहिंदा कि कहिंदा होएगा ऐ अबू बकर वह आसमाना का चन्न टुट के तेरी झोली विच नहीं आया। अल्लाह की इज्जत की कसम ये जिहड़ा आसमाना के चन्न चमक रहा वे उस मुहम्मद का सदका चमकदा पिया वे। इनू भी रोशनी उस चन्न की वजह न मिली है जेड़ा तेरी झोली में आया वे। जदों हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला नू आपने सारा ख्वाब सुनाया ना ते ओ राहिब कहन लगा ऐ अबू बकर तेनू मुबारक होवे तू आखरो जमान नबी मुहम्मद का वजीर बन गया वे। अल्लाह ने तेनू वजीर मुंतखब किया वे। अलाउ मुसलमान भाइयों जदों ये गल की कि तू आखरू समान नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजीर बनेगा जदों ये गल की मुसलमान भाइयों आपने पूछा नबी कित्थे आएगा। ओ राहिब कहिंदा वे मक्के दे विच आएगा इलाने नबुवत करेगा। कुर्बान जावा आप वापस आए ने जो वापस आए ने आण के लोगों ने आख्या जो तिजारत ए मुल्के शाम तो वापस आए काफिला वापस मक्के पहुंचिया वे आण के लोगों ने आख्या ऐ अबू बकर जिस नबी मुहम्मद दा तू यार उन्हें इलाने नबुवत कर छड़िया वे। उन्हें इलाने नबुवत कर छड़िया वे जो ये गल की उन्हें क्या अच्छा उन्होंने इलाने नबुवत किया वे वो तेरा यार उन्होंने जाके समझा अपने रब्बा नू झूठा पिया कहिंदा वे ते जाके समझा। हजरत अबू बकर सदीक फरमान लगे बेलियो तुसी ठहर जाओ पहले मैं पता करके आना वा मैं जावांगा पता करके आवांगा। आप गए दस्तक दी अंदरों सोना मुहम्मद आया है अल्लाह के नबी तशरीफ लैके आए। जो सरकार बार आए ना वेख्या तो अरज की सोना एक सवाल जे इजाजत हो पूछ लवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर पुछ जिन्हें भी सवाल पूछने अज पुछ लै। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह खुदा लाया नू आप अर्ज करते ने आका
मैनू दसो ना तुसी इलानी नबुवत कीता वे की दलील तुसी नबी हो की दलील तुसी नबी बन के आए जो आपने गल की हजरत अबू बकर सदीक ने गल कर ली मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ओ वेला याद करना जेड़ा मुल्क शाम के अंदर ख्वाब वेख्या वे फरमाया वह ख्वाब याद कर जेड़ा शाम के अंदर वेख के आया वे फरमाया उही मैं मुहम्मद की दलील है कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया वा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज की हजूर हथ गां करो मैनू बैत कराओ तो अपना गुलाम बना लो अपना गुलाम बना लो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा के गुलामी विच आ गए जो एक घट तो 40 बंदे मुसलमान हो गए ना तो एक जगह के मुसलमान बैठे ने मेरे मुस्तफा भी तशरीफ फरमा ने सहाबा भी बैठे हुए ने अल्लाह के नबी की बारगाह च हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज की आका जे तुहाडी इजाजत होवे ते अज मक्के दे चौंक विच खलो के जरा मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करा ते तुहाडी रिसालत का ऐलान ना कर लवां। मेरी सरकार ने फरमाया अबू बकर हजे अपनी तादाद भी थोड़ी है तो ताकत भी थोड़ी है हजे वक्त नहीं आया। आपने अर्ज की आका अल्लाह की इज्जत की कसम है जिहड़ी तुहाडी मुहब्बत विच मारा खान का सवाद है ना सोनिया घर बैठ के वह सवाद नहीं आता जिहड़ा सोना तुहाडे नाम ते ताने मिल। मक्के दे बाजार चौंक विच आ गए मक्के दे चौंक विच आए आपने ऐलान किया लोगों वेखो ना आओ अल्लाह नू मन लो ओ अल्लाह जिन्हें तुहानू भी पैदा किया ते मैनू भी पैदा किया वे ए कुल कैनात दा मालिक वो जिन्हू क्या जांदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शई नूर समावात वल्लर्द जमीन आसमान दे अंदर अल्लाह दा नूर है अल्लाह रब्बुल आलमीन दा नूर है। फरमाया ओ लोगो आओ मैं तुहानू दसा ए अल्लाह दा नूर है जमीन आसमान दे अंदर आओ मैं तुहानू दस रहा वा हुण मैं अपने नबी दी नाद सुना लावा मेरा नबी होवे जिन्हां जुल्फां दा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर कीता है वल्लैल इज़ा यग्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला जिंदा सोने ने जिंदा रब्बुल आलमीन ने चेहरे का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा जिंदे चेहरे का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वद्दुहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। फौजी साहब आ जो बटन है ना लाल रंग का विच आ रहा है इनू ना छेड़ो उतलिया स्पीकर अगर सोने दी जुल्फां दा जिक्र आया फरमाया वल्लैल इज़ा यक्षा जे सोने दे सीना मुबारक का जिक्र आया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम नशरह अल्लाह का सदरक जे सोने दी अजमत का जिक्र आया शाना दा आया अल्लाह ने फरमाया वरफअना लका जिक्रक। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे चौंक विच
खलोते ने लोग जमा हो गए, लोगों आवाजा देने लोगों आओना मैं तुम्हें दसना वा अल्लाह दे नबी दी शान की कुर्बान जावा लोग जमा हो गए इधर नबी दिया शाना बयान की जा रही ने लोग पत्थर चुकना पत्थर चुके मारन लगे ना जो मार देने ते लोग समझे कि दौड़ जाएगा पर उन्होंने यह नहीं पता सी अबू बकर ने किसी झूठे का कलमा नहीं पढ़िया सोने रब दे सोने यार दा कलमा पढ़िया वे जान दे जा सकती वे ए सोने कमली वाले नू वेख ही उन्होंने मंजर वेखिया अज तो फैजाबाद च सरकार नू ता किसे नहीं वेखिया सी सिर्फ फैजाबाद च सरकार दे गुलामां नू वेखिया ते उन्होंने अपने सीने हाजिर कर छड़े ए दे एक जाने हजार जान भी दे छड़ांगे सोने दे नाम तो ते उस अबू बकर किवें दौड़ सकदा सी ए जे अज इस फैजाबाद विचों नहीं ना कोई दौड़िया अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर तो सोने नू सामने पै वेंदा सी ते सोने नू वेख के किवें दौड़ सकदे सी यार 1400 साल गुजरन तो बाद अज गुलामां दा ये हाल है ते अल्लाह की इज्जत की कसम लोग कहंदे ने उस जंग विचों नबी दे सारे सहाबा नस गए और मैं आख्या कि अल्दा अपनी अकल का इलाज करवा पत्थर चल रहे ने लोगों डांगा ले आंदियो सोटे मारे जो कुछ मारिया शदीद मारिया आ बेहोश होकर जमीन ते डिग गया जदों जमीन ते डिगे ना रिश्तेदार आए उठाया घर लै गए कोशिश की उठाउन दी पानी दे छिटे मारे आप उठे ते जदों उठे ना सब तो पहले आवाज एहो ही दित्ती लोगो मैनु इह तो दसो मेरे सोने मुहम्मद का की हाल है, है? कमली वाले का की हाल है आप फरमाते ने लोगो इहदे दसो ना कमली वाले का की हाल है जदों लोगों नूं इह आवाज सुनी रिश्तेदार भी जा रहे ने यार बेली संगी साथी दाए चाचे सब छड़ के जा रहे पूछा तुसी क्यों बह जाने उन्हें आख्या जिन्ना पिछे मारा खादिया ने उस सोने का फेर भी ना प्या लेंदा वे छड़ के जा रहे ने सारे छड़ के जा रहे ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह खुदाला यानू आदि अम्मा कहती है पुत्र नाम ना ला रिश्तेदार भी गए तेरे यार बेली भी गए ते कोई कहते ने मां नू जवाब देने ने अम्मा जे कर यार दे नाम दा मिले मैना चोली पा लिए थले सुटिए ना जे कर यार दे नाम दी मिले सुनी झूठा ला लिए बिछा हटिए ना अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया जे कर यार दे नाम दी मिले सुनी जे कर यार दे नाम दी मिले सुनी झूठा ला लिए बिछा हटिए ना हजरत आपने फरमाया मर रिश्तेदार छड़ गया फिर की होया फिर की होया मां का तरला किया अम्मा जी मेहरबानी करे तो मैं सोने की बारगाह में लै जा सोने की बारगाह में लै जा लोग सौगा ने अपनी गूरिया नींदरा सौ चुके ने अम्मा मैनू लै जाओ
माने उठाया सारा दीदा वे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नू आप नू मां लेके जा रही है कमली वाले दी बारगाह विच उधर जाके दरवाजे ते खलोती ने सोने मुहम्मद दरवाजा खोल दिता वे। सरकार दरवाजा खोलिया, जो तो सरकार दरवाजा खोलिया ना, हजरत अबू बकर सदीक ने सरकार नू वेख्या, सरकार ने सीने नार लाया। कुर्बान जावा अबू बकर दी शान की अजमत होगी जिन्होंने सीना सोने मुहम्मद दा मिलिया वे, वो सीना कि जिस सीने दी अल्लाह दा कुरान नाजल होंदा रहा वे, जिन्हें दी अल्लाह दी रहमत नाजल होंदिया सी, अज उस सीने नार लगे ने हजरत अबू बकर सदीक। आप नाले रोंदे ने नाले कोई कहंदे ने तन मेरा जिगर चशी मोवे ए तन मेरा जिगर चशी मुर्शिद वेखी न रह जाऊ दे लूलू कहंदे ने जुस्म दे जेड़े वाल ने ना इन्हां दे मुड्ढा सुराखां नूं कहंदे ने लूलू लूलू दे मुड लख लख चशीमा एक खून एक एक करीम अलैहि सलातो व सलाम दे आप वो गुलाम ने आप गए मुस्तफ़ा ने सीने नार लाया प्यार फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि एक दिन ना हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह च दुआ की या अल्लाह रोजाना आवाज़ा ही सुनना वा कदी दीदार भी हो जाए तो बड़ी गल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों आवाज आई ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तू सिर्फ आवाजा वाला में आवाजा सिर्फ तू आवाजा दे काबल है तेनू सिर्फ आवाज मिलेगी। हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने अर्ज की या अल्लाह फिर दीदार का भी तो कोई काबल होएगा ना वो कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा आखिरी नबी मुहम्मद वो मेरा दीदार करेगा मेरा दीदार करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे आका दा नाम आया वे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा आखिरी नबी होएगा जेड़ा दीदार करेगा या अल्लाह फिर मैनू भी दीदार करवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफ आवाज आई मेरे प्यारे पैगंबर तेनू दीदार नहीं हो सकदा या अल्लाह फिर कोई तो कम होना चाहिदा वे या अल्लाह फिर दीदार नहीं हो सकदा उन्हां अखां दा दीदार करवा दे जिन्हां तेरा दीदार कीता वे अर कीता वे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम इंज करना फिर मेराज दी रात आसमाना दे कुली पालावी जब मुहम्मद मेरी ज़ियारत करके आवेगा उन्हां अखां दा दीदार तू ही कर लवी उन्हां अखां दा
तू भी दीदार कर लगी कुर्बान जावा। हजरत अल्लाह के नबी मेराज की रात तशरीफ लैके गए वापस आए तो हजरत मूसा ने अर्ज की हजूर रब को की तोहफा लैके आए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने फरमाया रब ने 50 नमाजा दिखाई ने। अर्ज की हजूर 50 बहुत ने, इत दल खैर एक भी पढ़नी औखी है सानू तो 50 तो फिर बहुत औखी है। अंबर ने अर्ज की हजूर 50 बहुत ज्यादा ने, जाओ एक चक्कर ला के थोड़िया करवा के आओ। अल्लाह के नबी दोबारा गए, फिर आए दोबारा गए, हत्ता के 9 चक्कर लगे तो अल्लाह के नबी ने 5 नमाजा रह गई, 5 नमाजा रह गई। जो वापस आए ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर गया सोना एक होर चक्कर ला आया। पर बुजुर्गों ने दीन फरमाते ने बार बार जान की वजह ऐसी अल्लाह के नबी बार बार जा रहे ने, इको वजह सी कि हजरत मूसा ने सलातो असलाम ने कोहे तूर ते बह के दुआ की थी, या अल्लाह जे तू अपना दीदार नहीं करवाना ते उन्हें अखा का दीदार करा दे जिन्होंने तेरा दीदार किया, उन्हें अखा का दीदार करवा दे। हजरत मूसा बार बार तरला ता मारते सी इन्हां अखां विचों जलवा सोने रब का नजर आ रहा है। मैं कहना चल रहा वा अल्लाह की इज्जत की कसम जिन्ने रावा विच अल्लाह दे नबी कुलिया पा के बैठे ने, ओ सोना मुहम्मद अबू बकर दे फेड़े सुबह भी आंदा वे शाम भी आंदा वे। उसे अबू बकर दी की शान होगी जिस नबी दे राह मल के नबी पै बैंदे ने, ते उस अबू बकर दे वेड़े ओ सोना मुहम्मद आप ब्यांदा वे। उस अबू बकर दी की शान होगी रैवें तो नहीं कहते चार यार नबी दे हैं प्यारे, ते नहीं कोई नचारा वरगा ना धरती अज तई इन चारा वरगा पैदा किता। कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सदीक की शान ए मकाम है वे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुतबा ए मकाम है दिता। आशिक ने गल की थी आदम चिश्ती बोले आप कहते ने चार यार नबी दे हैं प्यारे, नहीं कोई नौ चार वरी पैदा किया इन जान निसार वरीगा आज़म शान सदीक की पूछना कल्ला यार हजार वरीगा। फरमाया आजम शान सिद्दीक की पूछना है कल्ला यार हजारा वर्गा। कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों मेरे मुस्तफा एक गैना मक्के नूं छड़ के मदीने का सफर किया, अल्लाह के नबी ने एक वेले दा इरशाद फरमाया सी अबू बकर एक वेला आएगा कि तू ते मैं दोनों मक्के नूं छड़ के मदीने का सफर करना वे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने वो रात आ गई जिस रात सफर करना सी, अल्लाह के नबी आए दरवाजे ते दस्तक दी फौरन कुंडी खुल गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर किवें बूहे विच ही खलोता सी, अर्ज की हजूर जिस दिन का तुसी मैनू कहा ना कि आप दोवां मक्के नूं छड़ के मदीने जाना वे अल्लाह की इज्जत की कसम सोना उस दिन तो अज तक मैं सुता ही कोई नहीं। अज कोई खाली बंदा जाए ना
वह भी बेचारा रात में कोई पता नहीं काफ़ी दफा सह लैके जाता वे, जवान भी अपने आप को कहने वाला वह भी सह लैके जाता वे। अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा हजरत अबू बकर सदीक वह गुलाम ने मुस्तफा दे के कंध्या से उठाया वे, अल्लाह के नबी को उठा के लैके जा रहे हैं, गार वाले लैके जा रहे हैं, कुरबान जावा गार वाले लैके जा रहे हैं। मुस्तफा करीम अली सलातो असलाम गार दे बूहे दे खोल गए, बंद किए, काफ़ी सुराख थी उनके विच, एक सुराख रह गया, आपने इंज करके ना अड्डी रख ली, उत्ते अड्डी रखी, अड्डी रखने तो बाद अर्ज की हजूर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेरी सरकार अंदर गए तो आप ना जमीन दे बैठे हुए ने चौकड़ी मार के, एक पैर जेड़ा अड्डी उस सुराख ते रखी हुई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जो अड्डी मुबारक रख ली हुई दी आवाज दी सुने आ जा तकिया हाजर, सुने तकिया हाजर आ जाओ। अल्लाह दे नबी अंदर गए, हज़रत अबू बकर सदीक दी गोदी विच अल्लाह दे नबी दा सारे, अल्लाह दे नबी दा सारे, अल्लाह दे नबी दा हुण सारे इंज करके ना विच रखे आया। उलमा फरमाते ने, बुजुर्गों ने, दीन ने कुछ नक्शा पेश किया, आपने फरमाया कि इस रान दे उत्ते हज़रत अबू बकर सदीक ने आपने सर मुबारक सरकार ने रखिया वे, हुण दीदारे मुस्तफा हो रहा वे, कैसा आलम होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम जो तो सामने वद्दुहा का मुखड़ा होगा, कोई फर्क ना होगा, अबू बकर अखा ने ते मुस्तफा का चेहरा वे ते वेखी जा रहे ने, ते वेखी जा रहे ने। एक उथे आशक होर भी बैठा वे, उन्हें सुराखा के अंदर एक आशक होर भी बैठा वे, वह भी दीदारे मुस्तफा का तालिब है, सप अजहा सप बैठा वे, उन्होंने जो मुस्तफा की खुशबू आई ना उन्हें भी अपने जिसम छंडिया ते उठिया, ते जो चलता चलता सारे सुराखा दे आया, सारे सुराख वेंदा वे बंद पै ने, उस सुराख से आ गया जिथे अड्डी रखी सी हज़रत अबू बकर ने, अड्डी रखी सी, आओ मुसलमान वायु अड्डी रखी हुई वे सत आया वे सुंगया। मियाँ साहब फरमा रहे ने गल, मियाँ साहब अपना नक्शा बेच कर, सप ने आ ना अड्डी नु सुंघिया कि किसे बंदे दी अड्डी वे है जिसम जो सुंघिया ना, पहले सप ने बड़े तरले मारे किसे तरीके पैर हटाए ते मनु सोने दा दीदार कराए, ये भी आशक है, वह भी आशक है, तड़प रहे ने। मियाँ साहब फरमाने ने वो सप भी बैठा वे, कई साल का बैठा होया वे, नाले रोंदा वे नाले कहंदा ए आसे आसे मैं उमरी रे गुजारी ते चलने ने खारी हजार जद आयो ने बहारा अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब ने बड़े तरले मारे किसी तरीके पैर हटाए ते मनु भी नबी का दीदार कराए, सप ने अलग सप ताकतवर हुंदा है, सब नूं भी पता सी आखिरकार दूसरे सुराखा तानी बार क्यों नहीं आया, सब ने गल समझाई लोगों अगर सोने मुहम्मद दे नाल अगर आप तुसी चाहते हो कि अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए तो अबू बकर दे कदमां विच ही आना पैगा, अबू बकर दे
कदमां विच लगना पैगा ताई सोने दा दीदार होगा। जे अज भी कोई आशिक चाहता ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डंग मारी जा रहा वे सब डंग मार दावे बड़े डंग मारे डंग मारदा मारदा सब भी थक गया वे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कदम नहीं हटाया अखा विचों हंजू आएगा। मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम ने इस गुलाम अबू बकर दा आंसू चलिया वे पूरी रुखसार छूंदा होया सोने मुहम्मद दी रुखसार ते आया वे। मैं आख्या रुखसार वो कतरे दे कुल के नाद कुर्बान कर दवा जिन्हू सोने मुहम्मद दी रुखसार दा बोसा मिलिया वे। कुर्बान जावा जदों ये आंसू चलदा चलदा मुस्तफा दे चेहरे ते जदों आया ना अल्लाह दे नबी दी अख खुल गई। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अबू बकर की गल है हजूर सप पे डंग मारे आवे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कदम हटा सुनिया सप पे डंग मरेगा नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया नहीं ये तेनू नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिवें तू आशक है ना ये भी कई हजार साल पहले का बैठा हो जाए जेड़े मुहम्मद के दीदार विच तड़पदा पिया मेरे दीदार विच तड़प रहा वे। हजरत ईसा पैगंबर दी बारगाह विच मेरे हुसन का जिक्र सुन के आया वे। अज मेरे दीदार का तालब है कदम हटा दे मेरे इस आशिक नूं भी मेरा दीदार करवा। कदम हटाया अल्लाह के नबी ने अपना लुहाबे दहन कढ़िया अड्डी मुबारक दे लाया अड्डी मुबारक जुनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर दी वह मुबारक ही होगी ना जिथे लुआबे दिन मुस्तफा दा लग गया है वो कि मामूली अड्डी हो सकती वे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दिन लाया लाने तो बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर हुण दस दर्द है या कोई नहीं। अर्ज की हजूर इंज लगता जिम्मे कभी दर्द हो ही कोई नहीं सुना इंज प्या लगता वे कि दर्द है होई कोई नहीं। ये भी आशक है सब भी आशक है उधर काफर भी चलते चलते मुस्तफा दे पिछे पिछे वार दे बूहे थे आ गए। अल्लाह ने आर्डर दिता मकड़ी नू आर्डर दिता तू जाला बन छड़ कबूतरी नू हुक्म दिता तू आंडे दे दे जाके ये सारा मामला तो बन गया। ये जाले ने दीवार बना छड़ी कबूतरी आंडे दे छड़े जदों आए ना सामने अंदर जान लगे एक कह लगा चलो अंदर जाके भी नख्या कमला तो नहीं हो गया ए मकड़ी का जोड़ा जाला लग्या है इंज लगता कई साल हो गए इस जाले नू लगे नू अंदर कोई गया हों फिर जाला तो ना ना होंदा इस वास्ते कोई भी कोई नहीं अंदर जिंदी हिफाजत मेरा रब करे उन्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता तो जिन्हों रब नुकसान पहुंचाना चाहता हो अल्लाह की इज्जत की कसम कुल कैनात मिलके भी आता फायदा नहीं कर सकते। मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दे गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक आप दी बेटी एक ही अर्ज कर दी सोना सुबह भी आंदा वे शाम भी साढ़े वेड़े आंदा वे आन के गल्लां करदे ने इस वास्ते दा फिर आखिर ते मैं एक ही कहांगा ते किसे ने आख्या सी जो किसे दा आशिक हो ते उसे दी ए गल कर ते सौ सौ मकरी बगान करी के ते उते अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शान मकाम है वे जदों मेराज दी रात अल्लाह दे नबी तशरीफ लैके जा रहे सी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तफा अकेले सी
कले से कोई भी यार संगी साथी जिबरील पिछे रह गए सब मुस्तफा जा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों आवाज़ आई, आवाज़ गिंदी में जुनाब सैयदना सदीक अकबर दी, सैयदना सदीक अकबर दी। ते मेरी सरकार जो अबू बकर दी आवाज़ सुनी ना सकून होया, दिल नू सकून मिलया। वो ऐसी जगह सी जहाँ जिथे अल्लाह दी तजलियां सी, हैं रब्बुल आलमीन दे नज़ारे सी, उन्हां दा सामना करना बहुत औखा सी। अल्लाह ने मुस्तफा नू अपने मुस्तफा दे यार दी आवाज़ सुना के सोने मुहम्मद दे दिल नू सकून पहुँचाया वे। हैं वो जिन्हां दी आवाज़ सुना के अल्लाह दे नबी दे दिल नू सकून दिता जाए उसे अबू बकर दी की शान होगी यार। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ी जाउ अबिस्सिद्क वसद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकून। अल्लाह के दवा है रब्बे कैनात सानू भी अमल करन दी तौफीक अदा फरमाए और दूसरे के ऐलान समात फरमा दे जाओ। इंशाल्लाह 22 जमादुस्सानी ऐसे महीने की चंद की 22 तारीख गालबन बुध बन आवे। अल्लाह के फजलो करम नाल जनाब सैयदना सदीक अकबर की विलादत का दिहाड़ा आवे। इस दिन इंशाल्लाह महफल बाद नमाज़े इशा अपने इस मस्जिद के अंदर होएगी। इंशाल्लाह एक अलामा साहब आउणगे बयान करने वास्ते, तो सारे दोस्त जिमें हुन तशरीफ लैके आयो इशा की नमाज बाद जमात अदा करके सैयदना सदीक अकबर का जिक्र खैर सुनने वास्ते सारे दोस्त तशरीफ लैके आए जो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।